तो बापूजी को स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया, जब वो जेल गए गिरफ्तार होकर के, उससे पूर्व ऐसी व्याधियां नहीं थी। ये व्याधियां सब अंदर की प्रताड़ना और अव्यवस्थाओं का परिणाम है। उसके बावजूद भी आज ये स्थिति बनी हुई है कि जिन बीमारियों का इलाज एलोपैथी में नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन के पास नहीं है, उन कई चिकित्सा भी जबरदस्ती दी जा रही है। परिणाम यह है कि बापूजी धीरे 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 करके, अभी तो आप 11 रोग बता रहे हैं, अभी कुछ और भी रोग बढ़ जाएंगे। मैं एक बात कह देना चाहता हूं सीधे सीधे, चाहे आपको बुरा लगे या समाज को बुरा लगे या प्रशासन को बुरा लगे, जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद, जेल जाने के बाद में बापूजी रोगग्रस्त हुए और एक नहीं कई कई रोगों की एक श्रृंखला बन करके 11 तक पहुंच गई, अभी और भी बढ़ेगी। ये दो बातें बताती है, एक तो चिकित्सक की अयोग्यता, चिकित्सा पद्धति की अयोग्यता। मैं महावीर आयुर्वेदिक शोध संस्थान के अध्यक्ष के नाते से और एक अनुभवी चिकित्सक के नाते से, मैं अपने 30-35 वर्ष के अनुभव के आधार पर यह कहूंगा कि अगर कोई भी एक रोग हो, दो रोग हो, चार रोग हो, अगर उनकी समुचित चिकित्सा की जाती है तो नए रोग पैदा नहीं होते, ये मेरा आज तक का दावा है। तो मैं पुनः कहना चाहता लेकिन हूं स्वामी कि जी, बहुत बड़ा लेकिन एक स्वामी जी षड्यंत्र है। जी स्वामी जी मैं यहाँ पर आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ कि संत आसाराम जी बापू को अभी अभी से 15 दिन पहले जिस तरीके से एम्स में उनका ट्रीटमेंट किया गया, दवाओं का साइड इफेक्ट हुआ, वो पहले से बोल रहे हैं कि हमको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाए। आप खुद एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य हैं, जिस संत ने पिछले 50 साल से आयुर्वेदिक का प्रचार किया, आज वो अपने ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक सुविधाएं मांग रहा है। क्या इस देश में सुविधाओं के नाम पर जो जिले में चलाए जाते हैं नॉर्मल अस्पताल आयुर्वेदिक के नाम पर, वहां पर वो सुविधाएं मुहैया कराने की बात की जा रही है, जबकि उनको अच्छे अच्छे आयुर्वेदाचार्यों की ट्रीटमेंट की आज आवश्यकता है। वो विश्व की ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं जो विश्व में दूसरे नंबर पे आती हैं बीमारियां। क्या स्वामी जी आपको नहीं लगता कि उनका ट्रीटमेंट एक आयुर्वेदिक पद्धति से भी नहीं किया जा रहा है, एलो पद्धति में इनको छोड़ दिया और रिएक्शन हो रहा है उनकी दवाइयों का, उसका साइड इफेक्ट उनके साथ रोज वो साइड इफेक्ट से उससे जूझ रहे हैं, ये क्या मानव अधिकार का हनन नहीं है? आपको क्या लगता है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर उल्टे तरीके से दूंगा, माने जो मुझे सबसे बाद में बात कहनी चाहिए वो मैं पहले कहूंगा और उससे धीरे धीरे करके आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं स्पष्ट ये घोषणा करता हूं एक चिकित्सक के नाते, जो मैं जैसा कि पहले मैं कह चुका हूं कि मैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेटेड डिसीज का ट्रीटमेंट करता हूं, और मेरा अनुभव यह है कि अगर चार बीमारियां मरीज लेकर के हमारे पास आता है तो वो चार बीमारियां तो घटती ही हैं, बल्कि उनसे रोग मुक्ति होती है, लेकिन पांचवी कोई व्याधि पैदा नहीं होनी चाहिए। ये एक चिकित्सक की, आयुर्वेदिक चिकित्सक की कसौटी है। अगर इस कसौटी पर कोई चिकित्सक खरा नहीं उतर रहा है तो आयुर्वेद जो है उसको एक अयोग्य चिकित्सक मानता है। अभी आपने एक बात कही तो मैं बहुत कड़वा एक शब्द बोलना चाहता हूं। अभी मेरी डीआरडीओ और एम्स, मैं नाम भी ले दूंगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैंने सुना मेरी बात कराई गई, डॉक्टर रमा जय सुंदर है कोई एम्स में, वो शोध को, आयुर्वेदिक शोध को सुनना ही नहीं चाहती। जिन डिसीजेस का आपके पास ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे पेंक्रियाटाइटिस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और भी बहुत सारी डिसीजेज हैं, लेकिन आयुर्वेद उन चिकित्सा उन रोगों की चिकित्सा बड़े आराम से करता है। एक कटु परिस्थिति इस समय पैदा हो रही है भारतवर्ष में, कोरोना के नाम पर जो कुछ उल्टी सीधी दवाएं दी जा रही हैं उनसे केस ज्यादा मर रहे हैं। जो लोग घर पर रह करके, जिन्होंने आयुर्वेदिक दवा या किसी भी प्रकार से अपना मैनेजमेंट किया, वो बचे हैं। ये सब बापूजी का केस और कोरोना का केस सेम स्थिति है। इस समय अहंकारी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सक, अहंकारी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सक कुछ सुनना नहीं चाहते, और ये इनकी दवाएं कितना नुकसान देती हैं,
मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं। बापूजी महान संत और कोई भी संत एलोपैथिक दवाएं नहीं खाना चाहता। मैंने भी 1985 से आज तक कोई दवा नहीं खाई है, बल्कि 16 सितंबर 1985 से और आज 6 जून 2021 हो गई। स्वामी जी संत आसाराम जी बापू भी यही चाहते हैं कि हम आयुर्वेदिक का सेवन करें, जैसे आप पूछते हैं। मैं चिकित्सकों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, उसको सुने चिकित्सक, होंगे एम्स के चिकित्सक। मैं एक आयुर्वेदाचार्य और अनुभवी आयुर्वेदाचार्य बोल रहा हूं, इनकी दवाएं जितना नुकसान करती हैं, और बापूजी पे हो क्या रहा है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। मैंने 16 सितंबर 1985 से आयुर्वेदिक दवा भी नहीं खाई है, मैंने केवल नियम पालन और मंत्रों से अपने को ठीक किया है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मेरे को एलोपैथिक दवा दे, कोई इंजेक्शन दे, कोई टैबलेट दे, मेरे को डिटॉल लगावे, मेरे को रिएक्शन करती है, मेरा अपना अनुभव है। और ऐसे में वही बात बापूजी पे लागू होती है। आप ये चाह रहे हैं, माने वो चिकित्सक, मैंने कहा ना अहंकारी चिकित्सक, जिनके पास के किसी डिसीज का रूट आउट ट्रीटमेंट नहीं है, सब चीज के माने दवाएं भी ऐसी हैं। आप देखें, आप फार्माकोलॉजी को उठा करके देख लें, नेटरी मेडिका को उठा करके देख लें, एक ड्रग उठाइएगा 3-4 लाभ 25-30 हानि, 3-4 लाभ 25-30 हानि, लेकिन ये अहंकारी सुनकर के राजी नहीं है। बापूजी के केस में और बड़ी नाराजगी है, बापूजी के मानवाधिकार कहां चले गए, ये न्यायपालिका सो रही है कहां चली गई, आयुर्वेद को नजरअंदाज। जी स्वामी जी, मेरे साथ अभी मेहमान प्रोफेसर साहब जी के पास जाऊंगा, प्रोफेसर अनी जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसे तत्व हैं जो समाज संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में रखे गए, आज उन तथ्यों को नहीं सुना जा रहा है, उन तमाम तथ्यों की अनदेखी करते हुए जो प्रोसेसें की गई, क्या बोलेंगे आप अनी कुमारी जी? जी राधा स्वामी जी ने, राधाकांत स्वामी जी ने जो अभी बात कही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, मतलब हर एक नागरिक को ये प्रावधान है, चाहे वो जेल में हो, उसके भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, और उस राइट्स के तहत उसको ये प्रावधान है कि वो अपनी चिकित्सा जहाँ चाहे और जिस विधि से चाहे, एलोपैथिक आयुर्वेदिक जिस विधि से वो चाहे उसके तहत वो अपना इलाज करा सके, ये स्वतंत्रता है। ये जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, ये कोई मनमानी बात कोई भी नहीं कह रहा, तो ये जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, ये लीगल सिस्टम के तहत ये राइट्स जो है वो कन्विक्टेड पर्संस के राइट्स हैं, ऑलरेडी राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं। तो मानवाधिकार के अनुसार बापूजी को ये पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वो जिस विधि से चाहे और जिस स्थान में चाहे अपना पूरा ट्रीटमेंट करा सके, क्योंकि बापूजी आज ऐसी बीमारियों से ग्रस्त है, जैसा कि उन्होंने बताया भी कि ट्राइजेमिनल म्यूरोलजिया जो है बहुत ही सीरियस बीमारी है, और वो तो बापूजी को तब थी, और अब तो पता नहीं 12-13 और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो तो है ही इस एज में होने के बाद। तो जो चीज मैं इस बात में सारे बात में जो सार बताना चाह रही हूँ वो ये है कि डबल स्टैंडर्ड, जुडिशरी के जो रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो रिटर्न हमको मिलते हैं, जिसको कहते हैं कि एक लिखित लीगल सिस्टम जिसपे आधारित है, वो एक तरफ है, और बापूजी के केस में देखा जाएगा तो एक डबल स्टैंडर्ड यूज किया गया। इतने सारे बापूजी के लिए बेल एप्लीकेशंस लगाए गए, लगभग 35 से लेकर 40 एप्लीकेशंस लगाए गए, अगर आप पूरा देखिए तो, इंटरिम बेल, ये बेल, वो बेल, यहाँ तक कि बापूजी के जो एक नजदीकी रिश्तेदार थे उनके भी जो लास्ट राइट्स, जो उनके मरने के जो राइट्स थे वो उसको करने के लिए भी नहीं दिए। उनकी पत्नी को जो इतनी सीरियस उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, इनके कार्डियक अरेस्ट हुआ, उनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन एक दिन के लिए भी बापूजी को बेल नहीं थी। अपने खुद के इलाज कराने के लिए बापूजी को एक भी मेडिकल बेल नहीं, ऐसा कभी किसी केस में आपने इतिहास उठाकर देखा होगा? तो मैं ये कह रही हूँ कि ये एक डेलिबरेट है जुडिशियल सिस्टम को, कुछ एडवोकेट्स ने, पूरा एक जो एक करप्ट माहौल बन गया है उसमें उनको कुछ सेक्शंस को उन्होंने अपनी निजी प्रॉपर्टी बना ली है। अगर ये निजी प्रॉपर्टी नहीं होती तो एक सेक्शन में किसी को बेल हो जाता है और किसी को जेल हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है? अगर आप हाल के ही एक केस देखिए, अभी एक केस आया है पॉक्सो का, कल या परसों का केस है, उसमें आज किसी को 2 दिन के, 1 दिन के अंदर में उसको तुरंत बेल मिल गई, लेकिन ये बापूजी के केस में नहीं होता है।
हर कुछ रिटर्न सिस्टम के तहत जुडिशरी में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है कि एक कन्विक्टेड पर्सन के लिए। हमारे बीच माणिक जी जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास फिर से आऊंगा प्रोफेसर जी। माणिक जी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संगठन के लोग हैं, सपा का जो एक नेता होता है वो पॉस्को एक्ट के तहत फंसता है और उसको कुछ ही समय में बेल मिल जाती है। ये जुडिशियल सिस्टम, आज संतासाराम जी बापू को चिकित्सा की आवश्यकता है, वो भी आयुर्वेदिक चिकित्सा की आवश्यकता है, फिर भी तारीख पे तारीख बढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट में। माणिक जी, संगठन की क्या आवाज है, संगठन इस देश में क्या कर रहे हैं, बोले माणिक जी। आपको शायद मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है माणिक जी, आप माइक बहुत दूर रखे हुए हैं, अपने पास में लाइए। स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी मेरी आवाज अगर आपको आ रही है। जी स्वामी जी, क्या बिल्कुल आ रहे हैं स्वामी जी, आप खुद एक अच्छे वैद्य हैं और आप खुद बोलते हैं कि मेरे को, मैं चाहूंगा कि मेरे जीवन में अंतिम चरण तक मेरे को आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट मिले। इसी विचारधारा में संत आसाराम जी बापू ने हमेशा अपने कदम बढ़ाए हैं, लेकिन आज उनके ट्रीटमेंट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है। स्वामी जी, जी बोले स्वामी, मेरा आपसे ये कहना है कि इस मामले में आंदोलन होना चाहिए, ये एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर है। संत आसाराम जी बापू जी के ने जो अच्छे कार्य किए हैं, उन्होंने राष्ट्र की संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए जितने अच्छे कार्य किए हैं, उससे कुछ विदेशी षड्यंत्रकारी धर्मांतरणकारी शक्तियां नाराज थीं, उनके अस्तित्व को भारत में खतरा हो गया था। बड़े आश्चर्य की बात है, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहिबा ने कहा कि जो सब कुछ लिखित में है, प्रेस्क्राइब्ड है संविधान में, उसकी भी अवहेलना करके कुछ जज कुछ वकील, माने सामान्य अपराधियों के साथ कानून सम्मत व्यवहार हो सकता है लेकिन संत के साथ नहीं, इसमें तो फिर क्रांति की बात है। निश्चित है कि हम लोगों को क्रांति करनी चाहिए। एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट के एक अहंकारी अयोग्य अज्ञानी जज ने, अहंकारी अयोग्य अज्ञानी जज ने राधा कृष्ण को लेकर के एक अनुचित टिप्पणी की थी, हम लोगों ने आंदोलन किया, कह दिया या तो इस टिप्पणी को हटाओ नहीं तो फिर कुछ भी होगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आंदोलनकारी थे उनको बुलाया और बुला करके उस टिप्पणी को हटाया गया। हमारा निवेदन है कि हमारा अधिकार है, बापूजी हम कोई विशेष मांग नहीं कर रहे, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहिबा ने भी बताया कि यह हमारा अधिकार है। मैंने अपनी भी बात सामने रखी, मैंने आज तक एलोपैथिक दवा छोड़ो, मैंने आयुर्वेदिक दवा भी नहीं खाई है। ऐसे में अगर मेरे को कोई उल्टी सीधी चीज दी जाएगी तो वो तो प्राण घातक है। और एक बात मैं पुनः कह देना चाहता हूं, खूब फैलाइएगा, जब मरीज आता है हमारे पास, रोगी आता है, चार रोगों को मान लो लेकर के आया, तो चार से घट करके दो बीमारी रह जाए, एक रह जाए या बीमारी बिल्कुल चली जाए, लेकिन अगर चार के पांच छह सात आठ नौ दस, तो इसका मतलब यह है कि हमारे को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो सर्वथा अनुचित हो रहा है, षड्यंत्र के तहत कोई अनुचित काम हो रहे हैं। जी स्वामी जी, अभी बापूजी जेल के अंदर, स्वामी जी बापूजी जेल के अंदर ऐसी अवस्था में हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, खून की कमी होना, पेशाब संबंधी बीमारियां, जो ऐसी बीमारियां जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी बापू जेल में है। जेल प्रशासन बोलता है कि बापू चलिए आपको एम्स में ले जाते हैं, हम एम्स में क्या होगा, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, और एक ऐसा ट्रीटमेंट जो रिएक्शन करेगा जी उसकी तरफ भी जाने की बात करें,
और वो बोल रहे हैं कि हमको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दीजिए तो उनके लिए पर तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है, ये दोगलापन नहीं है? मैं कह रहा हूं ना न्यायपालिका, मेरे से पूर्व प्रोफेसर साहिबा भी कह चुकी हैं, न्यायपालिका स्वयं संदेह के घेरे में है। भारतवर्ष के लोग संपूर्ण न्यायपालिका से त्रस्त हैं, न्याय नहीं हो रहा है। और बापूजी का केस तो निश्चित ही ऐसा लगता है कि न्यायपालिका भी एक षड्यंत्र कर रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूं एक चिकित्सक के नाते, एक कसौटी पर, कि बापूजी के रोग क्यों बढ़े। रोगों के बढ़ने का मतलब ये है कि चिकित्सा ठीक नहीं हो रही। और ये जुडिशियल कस्टडी के अंतर्गत या जैसे भी हो, कस्टोडियन अदालत है और अदालत अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। निश्चित है कि जनता को क्रांतिकारी आंदोलन करने चाहिए। एक बात और, अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर दूसरे उपाय भी हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको न्यायालय वगैरह में जाना चाहिए, क्योंकि आप भी मान रहे हैं। जी मैं प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूँ। जी कहिए साहब। जी अनिल कुमारी जी, आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे। जी आप देख लीजिए, संत आसाराम जी बापू आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की मांग कर रहे हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि अगर उनको आयुर्वेदिक चाहिए तो आप उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दीजिए। लेकिन आप मेरे को ये बताइए, एक जिले में, एक जिले का आयुर्वेदिक अस्पताल में क्या फैसिलिटी होती है? जो संत, जो समाज सेवी व्यक्ति को इतनी घातक बीमारियां हो, उसको जिले का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसे ठीक कर पाएगा? और फिर जेल प्रशासन उन्हें क्या बोल रहा है कि बापूजी आप एम्स चलिए, जिस एम्स ने बापूजी को साइड इफेक्ट करवाया दवाओं का, जिसके पास कोई उत्तर नहीं है। आज बापूजी को एक ऐसी पोजिशन में लाकर खड़ा कर दिया जिसकी आप देखें, पूरे बापूजी के ब्लड कम हो गया बॉडी में, बापूजी को इतने सारे इंजेक्शन लगे, और बापूजी बोल रहे हैं कि मैं एम्स में नहीं जाऊंगा, तो भी एम्स में ले जाने की बात की जा रही है। और वो बोल रहे हैं कि मेरे को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में डेट बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बोला कि हरिद्वार में अच्छा एक हॉस्पिटल है, वहां पर मेरे को ट्रीटमेंट दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में डेट बढ़ाई जा रही है। क्या बोलेंगे प्रोफेसर साहब? ये एक बस एक एग्जाम्पल है। बापूजी के साथ मानव अधिकार हनन शुरू से हुआ। बापूजी को आपको पता होगा, स्टार्टिंग में भी बापूजी के साथ पोटेंसी टेस्ट जो थी, वो बापूजी को दो बार रिपीट करा के पोटेंसी टेस्ट, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं अभी उसमें, मैं मूलतः ये बात कहना चाह रही हूँ कि बापूजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और ये बात मैं एक आम नागरिक की तरह नहीं कह रही हूँ, मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को कोट कर रही हूँ। वो देश के एक राजनेता है, न्यायविद है, न्याय के बहुत सारे सब कुछ उनको संज्ञान है, उन्होंने बहुत सारे केसेस पब्लिक इंटरेस्ट में लड़े हैं। और उन्होंने उन्होंने लिखा कहा है, शुरू से ही कहा है, वो एक आईआईटी और आईएम और हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए हुए प्रोफेसर्स हैं, उनको नंबर्स ऑफ फैक्ट्स ऑफ फिगर्स उनसे कभी कुछ छुपा नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा है, एंड आई कोट हिम, दैट दिस इज द बिगेस्ट मिसफायर ऑफ जुडिशियरी इन द 21st सेंचुरी। यानी कि उन्होंने कहा है कि बापू जी के साथ जो अन्याय हो रहा है वो इस सदी का सबसे बड़ा अन्याय है। ये कोई मामूली अन्याय नहीं है, इस सदी का सबसे बड़ा अन्याय है। एक संत जिसने पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और केस को, मैं केस के थोड़े बैकग्राउंड में भी जाना चाहूंगी। शुरू से बापूजी के साथ ये जो बात हम कह रहे हैं कि बापूजी के साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये एंगल कभी जुडिशरी ने देखा ही नहीं है, कंप्लीटली इसको इग्नोर किया। अगर उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया होता, कॉग्निजेंस लिया हो जाता कि बापू जी के पे जो आरोप लगाया गया है वो एक डेलिबरेट मोटिव के तहत एक कुछ लोगों ने एक संघ बना के, गैंग बना के उसके तहत ये आरोप लगाया गया है, अगर ये बात उन्होंने कोर्ट में संज्ञान लिया होता, जजेस ने एक्नॉलेज किया हुआ था, क्योंकि 313 के स्टेटमेंट में बापू जी ने बोला है कि मुझे फंसाया गया, मुझे क्यों फंसाया गया उसका भी उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था, मुझे इसलिए फंसाया गया क्योंकि ट्रस्ट के सारे पैसे, जमीन वगैरह वो सारे लोग हड़पना चाहते थे। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके सारे प्रूफ है, मैं निराधार कोई बात नहीं बोल रही हूँ, और वो प्रूफ कोर्ट में पेश भी किया गया। प्रूफ ये था कि कल्कि कांड के अवतार के नाम से पहले एक पूरा सारा एपिसोड चलाया गया, जिसमें लड़की का बाप भी संदिग्ध था।
उसमें वो लड़की का फादर और लड़की का पूरा परिवार उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व था और ये केस रजिस्टर्ड है, ये पुलिस में कंप्लेन कराई गई थी, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में, पुलिस ने इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोर्ट ने इस पूरा फैक्ट को इग्नोर किया गया। क्यों क्यों कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, क्यों उस तरफ ध्यान नहीं दिया? जरूर इसका मतलब है कि जुडिशरी पे कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है, मीडिया ट्रायल का प्रेशर तो डेफिनेटली था, और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये के मैनन साहब ने जो सबसे पहले केस में आए थे उन्होंने बोला ये तो बेलेबल ऑफेंस है, 377 में लड़की ने आरोप लगाया है, छेड़छाड़ का आरोप, मामूली आरोप है, इसमें क्यों अरेस्ट किया गया है, 376 तो बनता नहीं है, आपने क्यों लगाया? और अजय लांबा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, थोड़ा ये रिव्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जरूरी है, फैक्ट्स जानना हमें बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि ये तो रेप का आरोप ही नहीं है, बहुत सिंपल छेड़छाड़ का आरोप है, तो ये बस हम इंक्वायरी करना चाहते हैं। लेकिन पूरा का पूरा मामला आपको पता है किस तरह से पूरा हैंडल किया गया, तो डेफिनेटली जुडिशरी पे प्रेशर है। अब ये सरकार का प्रेशर है, जुडिशरी पे हर तरह का प्रेशर है, मीडिया ट्रायल का प्रेशर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता जी अभी की आज की हम घटना की बात कर रहे हैं, आज डेट 6 तारीख है आज, मेरे को एक चीज में बड़ा आश्चर्य होता है कि सन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आसाराम जी बापू को जो जिस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए हम देंगे, आज वो जीवन और जिस तरीके की इनकी श्वासें चल रही है आपने देखी होगी फोटोज वीडियोज, आज उनको वाकई में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है क्योंकि उनको एलोपैथिक रिएक्शन कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये तमाम बातें देख रहा है और उनको बताया भी जा रहा है कि हरिद्वार में इस जगह पर हमको ट्रीटमेंट दे दीजिए, तो बोलता है कि हमको तहकीकात करने दीजिए और डेट पे डेट बढ़ाई नहीं जा रही है। मतलब मरीज इतना सीरियस पोजीशन में है और आप डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हो, जहां पर अपने निर्णय पे आप बोलते हो कि हम आपको आजादी देते हैं, पर वहीं पर जब को अधिकार लेने की बातें आती है तो आप डेट पे डेट बढ़ा रहे हो। ये कैसा रवैया है इस देश में? ये बापू जी को भारत का नागरिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सही बात है, आप देख लीजिए इस तरह का कभी किसी के साथ, ये तो एक सामूहिक तरीके से ये हुआ कि किसी को मृत्यु के घाट पे बिल्कुल उतार देने के लिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये यही हो रहा है कि एक महान संत के सामने, सभी के सामने, आंखों के सामने उनके साथ इस तरह का कैसे हो जा रहा है, ये बिल्कुल समझ के परे है, बिल्कुल समझ के परे है। और मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ, हमेशा हमारे साथ जो भी हम, मैं बता रही हूँ कि पूरे देश भर में हजारों से ज्यादा ज्ञापन बापूजी के लिए लोगों ने किया, लाखों करोड़ों ज्ञापन, बहुत सारे पेटिशन, बहुत सारी बात अपने रखने की कोशिश, सब कुछ कूड़ादान में गया। आज तक किसी भी ह्यूमन राइट्स कमीशन, किसी भी ह्यूमन राइट्स कमीशन पे हम लोगों ने इतनी बार लिखा, मैंने खुद लिखा, कभी भी किसी कोई बात का संज्ञान नहीं लिया। ऐसा क्यों, ऐसा रवैया क्यों है इस देश में? इस बात पे कभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया गया, अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो कुछ तो होगा इस बात पे, लेकिन कोई काउंटर चेक नहीं है जुडिशरी के ऊपर, कोई काउंटर चेक नहीं है। एक मैं स्वामी जी के पास जाता हूँ, मैं डॉक्टर साहब जी के पास जा रहा हूँ, स्वामी जी आप मेरी बात समझे, मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे आंदोलन किए गए, काफी विज्ञापन दिए गए, काफी हद तक मतलब जिस तरीके से एक सहिष्णु संत के जो शिष्य होते हैं उन्होंने अपने लेवल तक बहुत सारे आंदोलन किए, सरकार के सामने बातें रखी, लेकिन ऊंचा सुनाई देता है सरकार को। आपको क्या लगता है आप क्या करना चाहिए? आप एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य हैं, आपके जीवन में भी एक मांग रही है कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अंतिम चरण तक लूंगा, और एक ऐसे समाज सेवी व्यक्ति के साथ जिस तरीके से आज गैमिंग हो रही है, अब क्या करना चाहिए उनके तमाम लोगों को और समाज के लोगों को संतासाराम जी आपको प्रकरण में? जी स्वामी जी बोले। आप मेरे से मैं एक चिकित्सक भी हूँ, संत हूँ, ग्रंथ लेखक हूँ, अनुसंधान करता हूँ, गौ सेवक हूँ और समाज सेवक भी। हमने बहुत सारे आंदोलनों में भी भाग लिया है, जैसे ब्रिज में जब राजस्थान सरकार पहाड़ तोड़ रही थी भूमाफियाओं के चक्कर में, श्री रमेश बाबा जी ने आंदोलन किया था, उसमें बहुत लोग मारे गए थे लेकिन बच गए। ऐसे राम जन्मभूमि आंदोलन में भी भाग लिया हमने, गंगा यमुना के भी आंदोलनों में भाग लिया, गौ रक्षा के लिए आंदोलनों में भाग लिया। जैसे अभी मैंने एक और उदाहरण दिया आपको आंदोलनों की सूची में, कि जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने लिव इन रिलेशनशिप वाले मामले में राधा कृष्ण का नाम लेकर के कुछ अनुचित टिप्पणी उदाहरण दिए थे, तो बहुत खून खोला और हमने साफ कह दिया कि ये लोग माननीय नहीं है, ना ऑनरेबल, ऐसे शब्दों के लायक नहीं है, ये वेतन भोगी हैं और इनको सुधार करना चाहिए। अंत में किसी ने, एक संगठन ने, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट नामक एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट को घेरने की योजना बना डाली,
कहने का मतलब ये है कि मैं ये सब सूची इसलिए दे रहा हूं कि अहिंसावादी संत के अहिंसावादी शिष्यों ने बहुत मांग की, मैं स्वयं शामिल रहा हूं, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। अभी जैसा कि बताया गया कि मानवाधिकार आयोग भी नहीं सुन रहा है, वैसे तो कोई एक एप्लीकेशन लग जाती है तो तुरंत जागृत हो जाते हैं, लेकिन इतना महान संत, इतना कार्य किया, उनकी सुनवाई नहीं। इसका मतलब ये एक षड्यंत्र है। और अभी सही कहा मेरे से पूर्व प्रोफेसर साहिबा ने, ये षड्यंत्र दोनों प्रकार के चल रहे हैं, मीडिया की ओर से भी और कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी। हमको भी दो काम करने होंगे। हम हिंसा नहीं चाहते, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, आंदोलनों की एक सूची, और ये सब आंदोलनों में हम लोग विजयी हुए, हम भी अंग रहे हैं, हमने भी जो हो सका किया। इस मामले में भी आंदोलन होने चाहिए, और अब नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमको अर्जी देनी चाहिए। अगर ये नहीं सुनेंगे तो ठीक है, बेइज्जती तुम भी सहो, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमको क्रांतिकारी आंदोलन करने चाहिए। माणिक जी समय जुड़े हुए हैं धर्म रक्षा दल से, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है माणिक जी? थोड़ा आप अपना मोबाइल पास में लाएंगे तो आपको, आपके ऑडियंस को भी आवाज सुनाई देगी। आप पास में लाइए मोबाइल, आवाज आपको आ रही है? हाँ, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा आपको। आप पास में लाइए मोबाइल। आज जो कोर्ट का रवैया है, संगठनों की जो भूमिकाएं देखना हमको चाहिए। आज बड़े बड़े टाइटल लेके घूमने वाले जो लोग हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े टाइटल ले लेते हैं, आज ये सब लोग कहाँ चले गए? क्या इनको ये अन्याय नहीं दिख रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और मैं ये चाह रहा था कि इस बात का खुलासा हो जाए कि कुछ जो संगठन है भारत के अंदर, कुछ जो संगठन है वो, आप मोबाइल अपने हाथ में ले लीजिए, आप मोबाइल अपने हाथ में ले लीजिए फिर बोलिए जी। ऐसा है भारत के अंदर, आवाज ठीक है, भारत के अंदर कुछ ऐसे संगठन है जो क्रिप्टो क्रिश्चियन टेररिज्म के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं, वो हिंदुओं के लिए स्लॉटर हाउस है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बापूजी के साधक जो है, जो अभी जो फिलहाल सबसे ज्यादा अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बापूजी के लिए प्रयास कर रहे हैं या बापूजी के लिए कोई काम कर रहे हैं, बापूजी को छुड़ाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, वो भी ऐसे दो तीन लोगों के चुंगल में फंस चुके हैं, और वो अभी भी उनको लाना चाहते हैं बापूजी को बचाने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन टेररिज्म के एजेंडे के लोग हैं, और उनको हमने पहचाना है, उनकी पिटाई की है, उनके चैम्बरों में घुस के मारा है, तब जाके ये देश बचा है। इस देश को गृह युद्ध में ले जाने के लिए ये एजेंडे पे काम किया जा रहा है, और उसी एजेंडे के चुंगल में, उन्हीं लोगों के दायरे में ये लोग अपने न्याय की आशा चाहते हैं। तो इसके लिए उनको एकजुट होके हमारे जैसे संगठन, जो कि सरकार को हमेशा सचेत करते रहते हैं, जो कि सरकार को, हमने सोनिया गांधी के समय में, सोनिया गांधी के समय में हमने हमने जो काम किया वो देश को गृह युद्ध से बचाया। हमने चेतावनी दी थी 2011-12 में कि भारत के हालात लीबिया, सीरिया और मिस्र की तरह नहीं होने देंगे हम। हम हिंदू संगठनों ने सरकार को जो भी ज्ञापन दिया, जो भी प्रेस विज्ञप्ति दी, सार्वजनिक रूप से ज्ञापन दिया, सरकार की फ्रंट लाइन होती थी न्यूज में, सरकार के प्रवक्ता उस बात को कहते थे, मजबूरी थी उनकी, लेकिन नाम हमारा संगठन। माणिक जी, मेरा सवाल ये है कि बड़े बड़े टाइटल लगाकर घूमने वाले संगठन आज इन बातों को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमें बता रहा हूं रोज कारण बताइए। मैं
मैं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे दोगले संगठन जो मिसगाइडर है उनको पैदा कर दिया गया है, जो हिंदुओं के नाम पर जो काम कर रहे हैं वो हिंदुओं के लिए स्लॉटर हाउस है। मैंने अल्पसंख्यक मंत्रालय के खिलाफ, अल्पसंख्यक आयोग के खिलाफ, अल्पसंख्यक की परिभाषा जानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को लिखा, सरकार को लिखा, 2007 से 2000 लड़कियां हिंदुओं की रोज उठ रही है, रोज 2000 लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का जो है वो शोषण होता है, उनका जीवन नरक बन गया है, और हिंदुओं की जेब से पैसा निकाल के जो कांग्रेस काम कर रही थी वही काम बीजेपी कर रही है, और बीजेपी के समर्थन करने वाले जो संगठन है उनको शर्म आनी चाहिए कि वो हिंदुओं की लाशों पर वोट बैंक बना रहे हैं, और उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जो लड़कियों की इज्जत को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम क्यों कांग्रेस से पूछे? कांग्रेस तो एंटी हिंदू एजेंडा चलाती है, हम उससे पूछे ना जो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में हमने आज तक नरेंद्र दामोदर दास जो मोदी जी है उनके खिलाफ में हमने अभी तक आवाज बुलंद नहीं की है, और अभी आज की तारीख से, और ये प्रकरण जो बापू जी का बना हुआ है इसको देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से चुप बैठे हुए हैं, और इतने बड़े इश्यू पे वो चुप बैठे हुए हैं। बापू जी को बेल नहीं दी जा रही है, इंटरिम बेल नहीं दी जा रही है, उनका स्वास्थ्य खराब है, और ऐसे में जो प्रशासन लापरवाही कर रहा है, जो अस्पताल लापरवाही कर रहा है, जबरदस्ती उनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं एलोपैथिक, इसके लिए हम जो है आंदोलन करेंगे। और जो पहले भी जो मुद्दे थे 2007 से जो हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है, हम ये मानते हैं कि हिंदुओं का कोई भी आज नेता नहीं है, आज हिंदू नेतृत्व विहीन हो गया है, और ये मोदी जी आपको हम चेतावनी दे रहे हैं कि हिंदुओं का शोषण, जो लड़कियों का जो लव जिहाद में जो शिकार हो रही है, जो लव जिहाद क्रिश्चियन मंत्रालय बना हुआ है, ये मिसगाइड किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमानों को जो है लड़ाने की साजिश इस देश में तैयार की जा रही है। मैं आपके पास आऊंगा, इससे पहले हम प्रोफेसर साहब के पास जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब जी, आप मेरे को बताइए कि संत आसाराम जी बापू के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया गया, उनके निर्दोष लोगों के ऊपर कैसे अहमदाबाद में लाठियां बरसाई गई, जब भी आंदोलन किए गए तब बड़ी बड़ी लाठियां मारी गई, ऐसे मारा गया जैसे कि वो एक बहुत बड़े आतंकवादी है। इस देश में क्या यही मानव अधिकार है? बोले प्रोफेसर साहब जी। देखिए, मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे जो एक जन सत्याग्रह चला, जो कि 1530 दिन तक निरंतर चला, जब से बापूजी जिस दिन से अरेस्ट हुए और जब तक कि उन वो धरना स्थल ही बिल्कुल रद्द कर दिया गया, तब तक वो निरंतर सत्याग्रह चला। उस सत्याग्रह के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए, मानिक जी भी उससे परिचित होंगे, जो बहुत सारे संत सम्मेलन, जेल भरो आंदोलन, लगभग 3 जेल भरो आंदोलन किया, उन सभी आंदोलनों में यही हुआ। हम लोगों ने बहुत सारे ज्ञापन दिए लॉ मिनिस्ट्री को, ये प्रेसिडेंट के माध्यम बहुत सारे अपनी बात रखनी गई, बात तो कोई भी सुनी नहीं गई, और केस में हमेशा यही बोला गया कि मैटर तो आपका सब जुडिस है, कोर्ट में है, तो आप हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मान लिया मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में है, लेकिन वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो हमेशा बेल को अपोज करता है, जो बापू जी की कोई भी बेल एप्लीकेशन जब हम लगाते हैं उसको अपोज करता है, वो क्या आपका आदमी नहीं है? वो सरकारी आदमी नहीं है? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो सरकार के निर्देशानुसार ही तो एक्ट करता है, वो अपोज करता है। तो सरकार एक तरफ तो हमको डबल स्टैंडर्ड में ट्रीट करती है, एक तरफ तो कहती है कि ये सब ज्यूडिस है, मैटर कोर्ट में है, आप कोर्ट में परस्यू कीजिए, हम कोर्ट में परस्यू करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, तो वहां पे आपका ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज कर देता है हर चीज में। तो ये सरकार का भी इसमें डेफिनेटली रोल है। और जो आप बात कर रहे हैं बहुत सारे आंदोलनों में हमारे लोगों को बेबरता के साथ पीटा गया, मारा गया, ये तो सिलसिला जारी ही रहा। और सत्याग्रह को भी बंद करने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए, अल्टीमेटली वो ग्रीन ट्रिब्यूनल नाम का जो वो एक वो उसके ये से पूरा सत्याग्रह को मतलब वहां से उठाने उठा दिया गया। तो जो बात सब लोग कह रहे हैं गुप्त तौर से बोले, लेकिन ये बात सामूहिक है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी पर
सरकार का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, और इसी के कारण बापूजी को अभी तक बिल्कुल भी कहीं से भी एक दिन का भी रिलीफ किसी को नहीं मिल पाना, ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। अब बेल इज द नॉर्म, बेल तो हर किसी को मिलता है यार, क्रिमिनल हो कुछ भी हो, हर किसी को बेल मिलता है, बापूजी को एक दिन के लिए भी क्यों नहीं मिल सकता है? इस बात का आज तक कोई कॉग्निजेंस नहीं है, क्यों जुडिशियरी इस बात का एक्सप्लेन नहीं कर सकती? क्या एक आम सिटीजन को ये एक्सप्लेन कर सकती है? स्वामी जी आपका अभी एक संत हृदय है, क्या ये लोग बापूजी को टेररिस्ट समझते हैं या बापूजी से इनको डर लगता है? तो बेल क्यों नहीं देते? और स्वामी जी आपने जिस तरीके से प्रोफेसर साहब की बात सुनी कि आंदोलनों में बड़े बड़े लठ बरसाए गए सहिष्णुता के नाम पर, तब देखा संतासाराम जी बापू ने कि इनको लठ मारकर पता नहीं क्या क्या करेंगे ये लोग, तो बापू बोले कि शांति बनाए रखिए, सारे सारे उस पीड़ा को अपने ऊपर लेकर बापू शांत हो गए। तो क्या ये सहिष्णुता के नाम पर ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे स्वामी जी? मेरा एक अनुभव है, जैसे मैंने आपको बताया चिकित्सा की बात, लेखन की बात, व्यक्तिगत जीवन में कुछ चीजें बताई, अभी आंदोलनों की भी एक सूची दी। एक आंदोलन जिसका जिक्र मैं करने से चूक गया, जब सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया सोनिया सरकार के द्वारा कि राम जी एक काल्पनिक चरित्र हैं, तब भी हम लोगों ने एक घंटे के लिए रोड जाम की थी पूरे भारतवर्ष में, और अगले दिन में भारत सरकार मान गई कि नहीं 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 वो चूक हो गई। कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरे आप इतनी चर्चा मैंने सुनी तो एक बात मेरे समझ में आई। अब हमको जो लाइन ऑफ एक्शन चाहिए वो दो प्रकार से, एक तो ये कि मीडिया ट्रायल की वजह से माने न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दबाव में है, तो क्या ऐसा होता है? इसी को न्याय कहते हैं क्या? एक बिंदु। नंबर दो, अभी एक दूसरा एक प्रश्न आया कि वो सब क्रिप्टो क्रिश्चियंस ये बड़े खतरनाक हैं, इनके नाम तो होते रामलाल श्यामलाल चंद्रशेखर रेड्डी, शायद इसी तरीके का नाम है, बाकी का ये करते वही हैं जो कि हम लोगों के लिए घोरा तिघोर हानिकारक हो। हमको इन दोनों की काट सोचनी है। उसके लिए मैं आपसे बात करते करते मेरे मन में कुछ योजना आई कि क्यों ना जेल भरो आंदोलन जोधपुर में किया जाए। कितने लोगों को तुम जेल भरोगे? जोधपुर में ही कितने लोगों को भरोगे? भारतवर्ष से बुला लो हजारों लाखों लोगों को, इनकी 3 दिन में 4 दिन में पता लग जाएगी। मीडिया कितना भी नेगेटिव हो, सोशल मीडिया पर समाज के सामने सच्चाई लाई जाए। तीसरा काम जो हमारे यहाँ जुडिशियल प्रोसेस में है कि भाई वकील वगैरह उचित करके सामने रखा जाए, माने कानूनी प्रक्रिया, सड़क जाम प्रक्रिया, आंदोलन जिसको बोलते हैं सही शब्दों में, दो। और तीसरा, उस आंदोलन का भी सही प्रचार हो। मैं एक बहुत विचित्र उदाहरण आपको देता हूं, महामूर्खतापूर्ण। आज तक चैनल में शायद श्वेता सिंह उसी में ही दिखे या अंजना ओम कश्यप होगी, मैं याद नहीं। मैं सुन रहा था हमारे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल साहब, जो बाद में सन्यासी बन गए, बहुत अच्छे पर्यावरणविद थे, वो अपने आश्रम में बैठ करके आमरण अनशन कर रहे थे। ये मूर्ख मीडिया चैनल वाले, कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं है ना, बहुत जो है दूध के धोले हैं, वो पता नहीं कौन थी, अरे अरे देखो देखो ये कोई संत हैं, इनको आमरण अनशन करें, देखो पुलिस कैसे ले जा रही है। माने संतों को भी अपराधी की तरह पेश कर रहे थे। हमारे पास साधन तो नहीं है, मैं केवल नाराजगी आज व्यक्त कर रहा हूं, ये 2-3 साल पहले की बात होगी। इनका भूतों जवाब है, ये कुछ नहीं है। अब सोशल मीडिया से ज्यादा भारी हो गई है, हमको मीडिया पे पूरी एक स्ट्रेटेजी लगनी पड़ेगी। एक बात और कहूंगा मैं, एक बात अधूरी रह जाएगी नहीं तो, मोदी जी ने जो सत्ता प्राप्त की ना, उस सत्ता के पीछे भी जो है ये सोशल मीडिया का ही कमाल था। ऐसे नहीं आए, हमको भी सोशल मीडिया का प्रयोग करना पड़ेगा। और टू द पॉइंट बात हो, वो टू द पॉइंट केवल एक बात है कि मैं एक चिकित्सक के नाते कह रहा हूं,
अकाट्य लगाओ कंटेम्प्ट, अगर हमारे रोगी को रोग बढ़ते जा रहे हैं तो चिकित्सक चिकित्सा पद्धति का फेल्योर है, चिकित्सक और चिकित्सा पद्धति की अयोग्यता है। एक बिंदु ये उठे जो पब्लिक कम शब्दों में समझे, इसलिए उचित चिकित्सा पद्धति हो, उचित चिकित्सा पद्धति हो तो कानून के अंतर्गत बापूजी का उचित चिकित्सा कराई जाए योग्य लोगों से। वो ये है कि आयुर्वेद ही उनको अनुकूल आता है, मैंने इसे स्वयं भी अपना कहा ना, मेरे को अनुकूल नहीं आती चीजें, मेरे को तो दूध में भी केमिकल आ जाए, सब्जी में केमिकल आ जाए तुरंत दस्त जलन हो जाते हैं। तो ये सब बिंदु है रख करके पब्लिक के सामने जाया जाए और आंदोलन का केंद्र भारतवर्ष में नहीं जोधपुर रखा जाए। जब जोधपुर में उतरेगी ना पब्लिक, पब्लिक को नहीं रोक सकते आप, आ रही है आएगी, कितनों को मारोगे, कब तक मारोगे, जब ऐसे इस तरीके से होंगे निश्चित है कि सत्य की विजय होगी। हम अहिंसावादी हैं लेकिन जी जी माणिक जी, स्वामी जी की आपने बात सुनी, माणिक जी आप हाथ में ले लिए मोबाइल, स्वामी जी की आपने बात सुनी, स्वामी जी ने बोला जोधपुर जेल में आंदोलन करना चाहिए, अब आप बताइए क्या करना चाहिए, शॉर्टकट बताइए। स्वामी जी ने कहा है तो स्वामी जी ने कहा है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं और इसके लिए रणनीति बनाई जाए, स्वामी जी ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं, रणनीति बनाई जाए जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितने संगठन लोग, कितने संगठन के लोग आएंगे क्या लगता है, क्या वो मात्र शांति का शांत बैठे रहेंगे देखते रहेंगे अत्याचार को, भी कुछ संगठन भी आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, पहले भी आए हैं, पहले भी बापूजी के समर्थन में कई साधु संत आए हैं और इस बार भी आएंगे। प्रोफेसर साहब जी के पास जा रहा हूँ, प्रोफेसर साहब जी आप बताइए, जब देश में ऐसे हालात क्रिएट होते हैं, जब लोगों को ऊंचा सुनाई देने लगता है तो क्या हल होते हैं, आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में से कैसे आप बयान करेंगे, आप खुद एक नारी सशक्तिकरण से हैं, आप खुद एक अपना एक एनजीओ चलाते हैं, प्रोफेसर होने के बावजूद आपके खुद के एक एनजीओ हैं, बोले प्रोफेसर साहब जी क्या बोलेंगे? देखिए मैं जो है मुझे लगता है कि हमें सफलता तब मिलेगी जब हम संतों के सिद्धांतों पे चलेंगे, तो मुझे लगता है हमें बापूजी के सिद्धांतों पे चल के ही हमें एक सार्थक मार्ग एक समाधान मिलेगा और हमें हमारी बात सुनी जाएगी। तो मैं सहिष्णु यानी कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के फेवर में हूँ और दो बातें कहूँगी, मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज भी समय है कि वो कृपा करके सत्य दिखाए, बापूजी के साथ जो अन्याय हो रहा है अब तो कम से कम वो सत्य दिखाए। दूसरी बात, मीडिया को मैं चैलेंज भी करूंगी कि आज तक आपने जो भी दिखाया है वो कहानियां बनाई हैं आपने, पता नहीं क्या क्या मिर्च मसाला दिखाया, असलियत कब दिखाएंगे आप, एक बार आकर के हमारे पैनल के साथ डिस्कशन करें, हमारे फैक्ट्स को देखें सुने, फिर आप अपना निर्णय लें, अपने हमारे बापूजी के पक्ष को भी आप दिखाइए। दूसरा, मैं एक अपील, छोटी सी अपील आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखना चाहूंगी और वो ये है कि देश के सारे न्यायविदों से मैं अपील करती हूँ, मैं देश के सारे जो भी आपके जजेस से मैं उनसे अपील करती हूँ, सीजीआई ऑफ इंडिया से मैं अपील कर रही हूँ, मैं आपको सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट राजस्थान से अपील कर रही हूँ और सबसे इंपॉर्टेंटली मैं ऑनरेबल जज संदीप मेहता जी जिनके पास में हमारा केस अभी है उनसे मैं अपील करती हूँ कि सर प्लीज पब्लिक एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत में इस मैटर का कॉग्निजेंस लीजिए कि बापूजी को एक वन साइडेड स्टोरी के तहत फंसाया गया है, प्लीज केस की री इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप फैक्ट्स को देखिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि इसके पीछे क्या मुद्दा रहेगा, क्या मकसद रहा होगा कि बापूजी को फंसाया गया, एक निर्दोष संत को 8 साल तक फंसाया गया, जेल में रखा गया, उनको प्रताड़ित किया गया है, क्या देश में बिल्कुल भी संवेदना बिल्कुल संवेदनाशील हो गई है, न्याय के नाम पर ये कैसा अन्याय चल रहा है। तो मैं तो आपके इस मंच से
प्रोफेसर तो हूँ लेकिन संवेदना भी है। सोसाइटी में ये सारे कार्यक्रम इसलिए करते हैं, हम वृद्धों के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, जिन बच्चों को माँ बाप ने छोड़ दिया, जिन माँ बापों को बच्चों ने छोड़ दिया, हम उनको एक दूसरे से मिलाते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था कर सके, हमारी जो सीमित जो सोर्स है उसमें से हम करते हैं। लेकिन संवेदना की जो बात, जो बापू जी ने एक नवीनीकरण, जो बापू जी ने इतने सारे लोगों को एक न्यायिक, बापू सब लोगों को एक नैतिक शिक्षा दी थी, जिसके प्रति लोगों का उजार हुआ, अध्यात्म के राह में इतने लाखों लोग, मेरे जैसे लोग, मैं कभी ये सब अध्यात्म वगैरह मानते नहीं थे, हम तो बस पढ़ने लिखने वो सब मानते थे, ऐसे कई सारे लोग चले। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अभी भी प्लीज ऐसे लोगों से, मेरा जो भी न्याय के से जुड़े हुए हैं न्यायाधीशों से, सबसे मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में प्लीज इस मैटर का कॉग्निजेंस लीजिए, आप प्लीज इन्वेस्टिगेट कीजिए। अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस केस की क्या सच्चाई है, बापू जी को किस तरह से फंसाया गया और अभी भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने आप को शांत कर रहा हूं। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं कुछ कहना चाह रहा जी, मैं अभी कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा जी जी। मेरे से दो लोगों ने संपर्क किया, एक व्यक्ति का नाम है सतपाल मल्होत्रा, वो पहले कांग्रेस में था, बाद में वो जब कांग्रेस की सत्ता चली गई तो वो पीला दुपट्टा डाल करके और हिंदूवादी संगठनों में घुसा। एक दिन मेरे को फोन करता है, आप इसको अनएडिटेड समाज को बताइएगा कि आप, उसे पता है कि मेरा ये मोबाइल साधारण मोबाइल रखता हूँ, ये तो एंड्रॉइड मैंने अभी लिया है पिछले साल। तो उसने कहा कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आपके पास संत आसाराम बापू के लोगों से आपका संपर्क है क्या? मैंने कहा हाँ है। बोले आप उनसे बात करिएगा, 15 करोड़ रुपए लगेंगे जमानत दिलवाने के। मैंने कहा अच्छा। तो बोले हाँ, उस समय T.S. ठाकुर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो मैं हंसा, मैं तो बहुत हेकड़ व्यक्ति, चाहे मतलब न किसी से मांगना न कहीं जाना, अपना पूर्ण त्याग पूर्ण जीवन जी रहा हूँ, मेरे देख लीजिए उठा करके, और ये दल्लापना काम के ये सब करना तो मुझे आता ही नहीं। तो मैं सुना, उसने मेरे को कहा कि 10 करोड़ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और 1 करोड़ वो मुझे देगा गौशाला के लिए, 4 करोड़ रुपए वो रखेगा। ये कल मेरे को ऐसे ही किसी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराओ, कुछ मिनिस्ट्री में जाएगा केंद्र सरकार को, कुछ सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, कुछ वकील कुछ बोलेंगे। मेरा एक निवेदन है कि न्यायपाल के नाम पर, बापूजी को जमानत दिलाने के नाम पर ऐसे दल्ले भी घूम रहे हैं, ये बड़ा दुखद स्थिति है समाज के लिए और हमारी न्यायपालिका के लिए भी। अब मुझे नहीं पता कि ये बात कहूं तो कहनी चाहिए, लेकिन हुआ है, ये सच है। आप क्या मत रखते हैं जरा बताइएगा। स्वामी जी, मेरा एक सबसे अहम सवाल है कि अगर न्यायपालिका उन 100 करोड़ रुपए में आसानी से बिकेगी, वैसे तो हमने अभी अहमदाबाद में 2 जजेस हैं जिनको रंगे हाथ पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए और उनके विषय में उनको संज्ञान में रिहाई करते हुए, दो जजों को पकड़ा गया अभी, जो अभी अहमदाबाद की 2 दिन पहले की घटना है। तो ये तमाम प्रकरण, क्या इस देश में मानवता नहीं रह गई है? संत आसाराम जी बापू चाहते, अरे 200 करोड़ क्या होता है, 4 आश्रम यूं फेंक देते, और अगर इनको रुपयों की भूख है तो रुपये दे देते। लेकिन सवाल यह है कि संत आसाराम जी बापू दर्द सह रहे हैं, अत्याचार सह रहे हैं। आपको भी पता होगा स्वामी जी इस देश में क्या क्या नहीं बिकता है। आपको भी पता होगा स्वामी जी कैसे कैसे सब कुछ मैनेज किया जाता है। संत आसाराम जी बापू रुपए करते थे। रुपेश जी, मैं एक बिंदु उठा रहा हूं जी, जो मैं आपके मुख से कहलवाना चाहता था, शायद अभी नहीं कह पा रहे आप। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं तो एक संत हूं और बहुत त्यागपूर्ण जीवन जी आए, ये सक्रियता के बाद मैंने एक आंदोलनों की सूची बताई, हिंदू संगठनों के पद मेरे पास रहे हैं। मैं निष्क्रिय संत नहीं हूं, मैं योग्य और सक्रिय संत हूं, उसके बावजूद भी मैं
जमीन में बैठ करके इस समय आपसे कर रहा हूँ। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ और आपके माध्यम से समाज से, ये न्यायपालिका के नाम पर ये दल्ले क्यों घूम रहे हैं? एक जिज्ञासा या एक व्यंग है, या क्या इसका रहस्य है? क्या ऐसे लोग वास्तव में हैं? ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या आदत नहीं पड़ गई? कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पूरी गड़बड़ है, गड़बड़ ही गड़बड़ है जी, बिल्कुल गड़बड़ है यहाँ पे, बिल्कुल। देश की समस्याओं के लिए सबसे अधिक कोई जिम्मेदार है आज की तारीख में तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। देश में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिम्मेदार है तो सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका बिल्कुल चरमराई हुई है, चरमराई हुई है। और हम जो कुछ आपने, हम तो न्यायपालिका में लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं डेट भी बता दूं आपको, अभी मैं आपको डेट बताता हूं। हमने जो है 361 बटे 2018, ये 25 सितंबर 2018 को चार न्यायाधीशों को हमने शपथ लेने से रोका, हमारी याचिका है सर्वोच्च न्यायालय में। और 28 अगस्त 2019 को हमने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। न्याय नियुक्ति आयोग में हमने जो है एप्लीकेशन दिया हुआ है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होने पर हमने जो है श्रावणवधि 14 संवत 2069 विक्रम संवत राज्यसभा में हमने एक याचिका का प्रावधान है, राज्यसभा में भी हमने याचिका दी है। लेकिन यहाँ का जो न्याय तंत्र है वो इंग्लैंड और अमेरिका के, मैं कहना नहीं चाहता, मुझे शर्म आ रही है, जैसे एडविना ने नेहरू और जिन्ना दोनों को अपने अपने जाल में फंसाकर और भारत और पाकिस्तान के लाखों लोगों को कटवाया, मरवाया, उसी जाल में आज ब्रिटेन और अमेरिका की जो विषकन्या है उसी जाल में ये सर्वोच्च न्यायालय फंसा हुआ है। बहुत सही बात। अच्छा, हम प्रोफेसर साहब जी के पास कुछ बातें साझा कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब जी, कुछ मैं पॉइंट्स साझा करना चाहता हूं, क्योंकि आप काफी चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। कि संत आसाराम जी बापू के ऊपर जो लड़की आरोप लगा रही है, छेड़खानी की बात की जा रही है कि 1.5 घंटा उसके साथ छेड़खानी की गई और वो कुटिया थी, लड़की और बापू जी थे, उस समय छेड़खानी चल रही थी, तो गवाह जो संत आसाराम जी बापू की तरफ से, तो स्पष्ट रूप से फोटोज भी पेश की गई और बताया गया कि बापू जी उस समय बाहर थे कुटिया में। बापू जी पिछले 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बाहर थे। बापू ने कई समिति वालों से मिले, शादी भी करवाई, कई लोग आए थे, मंगनी वगैरह वहां पर बैठ के बापू ने मैनेज करवाया, 12 बजे तक लगे रहे। अच्छा, दूसरी बात, चलो बापूजी ने जो बापूजी के पक्ष के जो गवाह थे उनकी बातों को भी हम नकार देते हैं। अच्छा, जो कॉल डिटेल्स आई है वो कॉल डिटेल्स 10 बजे से चालू होती है, 12 बजे तक चलती है। और लड़की क्या बोलती है, उसी समय मेरा बलात्कार, मेरा छेड़खानी मेरे साथ हो रही थी। और उसी कॉल डिटेल्स में वो अपने प्रीतम पंकज से तालमेल बनाती है और हर 10 मिनट में कॉल डिटेल्स आती है। अच्छा, इस टाइप का छेड़खानी का भी आपने सुना है कि एक तरफ उसकी छेड़खानी चल रही है और अपने प्रीतम से बात कर रही है और 12 बजे वो एक मैसेज करती है, ओके काम हो गया पूरा। भाई साहब, ये सारे दस्तावेज कोर्ट में अवेलेबल हैं तो भी उनको अनदेखा किया जा रहा है, इससे ज्यादा और क्या हास्यात्मक चीज होगी? प्रोफेसर साहब जी बोलिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि बापूजी के साथ जो हो रहा है वो इस सदी का सबसे बड़ा अन्याय है। और मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा निराधार बेसलेस केस आज तक किसी ने सुना ही नहीं होगा। इस बेसलेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, आरोप लड़की लगाती है, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन 43 विटनेस प्रेजेंट करता है ये इस बात को सपोर्ट करने के लिए, और उस 43 में से कोई भी उस समय और उस स्थान पर मौजूद नहीं था, यानी कि कोई भी साक्ष्य विटनेस, आई विटनेस इस केस में नहीं है। केवल लड़की की स्टेटमेंट और लड़की के स्टेटमेंट और लड़की के माता पिता, जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, उसके माता पिता की कहानी स्टेटमेंट, क्या एक कहानी जो उसने बनाई है, उसके आधार पे पूरा केस को चलाया गया।
तो अब एक केस को चलाया गया और ये तो मतलब एक हास्यप्रद बात है कि कैसे आप एक ही पक्ष के बात के को रखते हुए पूरे केस को चलाते हैं, और जितना जो आप डिटेल्स बता रहे हैं कि उस समय जो घटना स्थल पर जो समय जो लड़की बता रही है उस समय तो बापूजी एक सामूहिक कार्यक्रम में थे, मंगनी के कार्यक्रम में, और सत्संग भी चल रहा था और बहुत सारे लोग उनके साथ बैठे हुए थे, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति है जो आई विटनेस है 12 बजे रात तक, नानक राम जी जो जोधपुर से है वो 12 बजे रात तक बापूजी के साथ थे, तो ये घटना कैसे घटी, और माँ बाहर बैठी है, बाप थोड़े दूर पे ही है और ये घटना होती, तो ये पूरी काल्पनिक कहानी बताई गई। यही मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर कोर्ट ने इस केस के पीछे क्या मोटिव रहा होगा जिसके कारण ये सारा आरोप लगाया गया, उस पे अगर जरा सा भी ध्यान दिया होता तो वो सारा कुछ निकल के आता। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत क्रिटिकल बात है, वो मैं रखना चाहती हूँ। इस केस में दो को अक्यूज थे, शिवा और प्रकाश, और पुलिस ने ये आरोप लगाया था, आरोप ये लगाया था कि उनके मोबाइल से ही ये सारा कोऑर्डिनेशन हुआ है जिसके कारण वो लड़की को कोऑर्डिनेट करके लड़की के पिता के माध्यम से लड़की को उस स्थान पर उस समय पर लेकर आए थे। लेकिन पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट की चलती है, और ये बहुत मूल बात है, बहुत रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए इस पूरे केस की है। तो ये दोनों लोग की जो ये जो एलिगेशन लगाई गई थी उसका एक पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है, लेकिन जांच में कोई कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश हो पाता है, इसलिए सेशन कोर्ट से वो बरी हो जाते हैं और हाई कोर्ट से भी वो पूरा निर्दोष होकर बरी हो जाते हैं। तो जब लड़की के ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस लड़की को कौन वहां लेकर आया, इसका मतलब है कि माता पिता ही उस लड़की को लेकर आए और तो कोई था नहीं, और माता पिता ही लेकर आए इसके मतलब है उसके पीछे कोई मोटिव है। ये बहुत ही साधारण सा इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, बहुत ही केस में जो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है वो कोई भी एक साधारण वकील भी बता देगा, इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोर्ट में आश्चर्य की बात है विटनेस होने, हमारे तरफ के विटनेस और बहुत सारे संचालक लोग सब वहां थे, मुझे नहीं पता किस कारण से उनके स्टेटमेंट्स कोर्ट में क्यों नहीं रिकॉर्ड की गई। वो आई विटनेस है उस बात के कि उस समय घटना स्थल पर वो बापूजी के साथ में थे, तो वो घटना कैसे घट सकती है जब साथ में है। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं इस केस के जो कि या तो सामने नहीं आए गए, या तो सामने आए तो कोर्ट ने उनका संज्ञान ही नहीं लिया, उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा स्वामी जी आपने सुना जी, अब क्या करना चाहिए स्वामी जी, आप ही बताइए। अंतिम चरण में हमारा समय काल चल रहा है, डिबेट चल रही है। मैं तो आपसे कह चुका हूं, मैं एक बार एक प्रश्न और भी उछाल रहा हूं आपके माध्यम से, कि बापूजी के केस में ये दल्ले क्यों घूम रहे हैं, कोई 15 करोड़ कोई 100 करोड़, इसके पीछे क्या रहस्य है। एक अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, उसी का पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि हमको आंदोलन का केंद्र जो है जोधपुर बनाना चाहिए। एक नंबर दो है सोशल मीडिया, नंबर तीन कानूनी व्यवस्थाएं, और चौथा एक मेरे को और लगता है कि हमको राजस्थान गवर्नमेंट से भी संपर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं, जब हमारा एक पक्ष नहीं सुन रहा है तो दूसरे, हमें जाने का अधिकार है, और संत तो सभी के लिए वंदनीय है, तो राजस्थान गवर्नमेंट से भी मिलकर के हमें मांग करनी चाहिए। ये मेरी चार योजना मैंने आपके सामने रखी है जी। अब माणिक जी डिबेट का अंतिम चरण चल रहा है, मैं आपने बहुत सारी चीजों को सुना आज, आपने कई चीजों को रखा, क्या लगता है अब आपको स्वामी जी ने जो बोला, अब आप ऐसे इसको कैसे क्रियान्वित करना चाहेंगे और क्या आपकी सलाह है? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वामी जी ने जो कहा है ये बिल्कुल सत्य कहा है कि इसमें बापूजी के केस में पूरी तरह राजनीति इन्वॉल्व है, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आज की तारीख तक हमने आपके खिलाफ में कोई वक्तव्य नहीं दिया, कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया हिंदुओं ने कि आप हिंदुओं के रक्षक हैं, आप हिंदुओं को न्याय दिलाएंगे, लेकिन आप हिंदुओं को न्याय दिलाने की बजाय आपने जो है पूरी तरीके से वही काम किया जो कांग्रेस ने किया, एक पेट में छुरा घोप रहा है हिंदुओं के और एक पीठ में घोप रहा है, और ज्यादा खतरनाक वो है जो पीठ में घोप रहा है। और आज के बाद जो है हम किसी भी हद तक जाएंगे, हिंदुओं के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे जी। प्रोफेसर साहब के पास हम आते जी। प्रोफेसर साहब जी, अंजलि जी, आपने आज बहुत ही तथ्य रखे सामने,
और आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां लोगों को दी। और लास्ट में आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोग सुन रहे हैं, काफी लोग आपका अभिवादन कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? आपका माइक, हाँ माइक ऑन कीजिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, तो मैं बार बार सब लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग, सब लोग जिस भी स्थिति में हैं और जो भी आपके पास उपलब्ध सोर्सेज हैं, उनके उनका सदुपयोग कीजिए और बापू जी की बात को रखिए, पब्लिक में रखिए, सोशल मीडिया पे रखिए, कहीं भी रखिए, ये प्रयास निरंतर जारी रखिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, जो लीगल प्रक्रिया है वो अपनी तरफ अपना काम करेगी और वो उसमें सुधार होने की बहुत सारी आवश्यकता है, तो वो सुधार अपने तरफ से हमारे जो पैरोकार है उनको जरूर करना चाहिए, वो संज्ञान में लेना चाहिए। और जो बाकी लोग हैं वो सब लोग लीगल में नहीं घुस सकते हैं, तो अलग कौन कौन सी और प्रक्रिया है उनके साथ जुड़ना चाहिए। जैसे मानिक जी बहुत सारे दलों के साथ जुड़े हुए हैं, तो सारे संस्थानों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना, यही बहुत मिसिंग पॉइंट है। मुझे लगता है कि हर कोई सक्षम है, ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने आप में सक्षम है और बापू जी के लिए आगे आना भी चाहते हैं और कई बार उन्होंने प्रयास किया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा क्या है कि ये जो हम लोग सब संगठित नहीं हो पाते हैं। संगठित होना बहुत जरूरी है। अगर हम संगठित हैं तो हम बलवान हैं, तो हमारी बात लोग सुनेंगे। हमें संगठित होना बहुत 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 आवश्यक है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अभी संगठित होना ही एक विकल्प है। पहली बात ये, संगठन में जब कोई आता है और वो आपका एक नेतृत्व करता है, मतलब आपका एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है, आपकी तरफ से अपनी बात रहता है, तो लोगों को उसकी बातों को सपोर्ट करना चाहिए। थोड़े दिन के बाद यहाँ पर, और मैं ये कह रही हूँ सामूहिक तरीके से क्योंकि मैंने ये अनुभव भी किया है, लोगों के आपसी ताने बाने में, निंदा स्तुति में, ये क्या होता है, सारा संगठन जो होता है, जितनी मेहनत से और सैक्रिफाइस से बिल्ड होता है, वो सब कुछ धराशाही हो जाता है। तो सबको ये प्रयास करना चाहिए कि अपना निजी मत छोड़ करके बापू जी के लिए आगे आना चाहिए। जो भी सोर्स उनके पास है, जो भी उपलब्ध है, उससे बापू जी के लिए जरूर आवाज उठानी चाहिए, हर प्रयास करनी चाहिए और सभी को हर लेवल पे संगठित होने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन बापूजी को रिप्रेजेंट करती है, उनकी बहुत जिम्मेवारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हर एक संस्थान पे लागू होते हैं, तो आप पर भी लागू होती है। कृपया आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इंफॉर्मेशन सभी लोगों के जो आपके नीचे हैं, जो आपके अंतर्गत आते हैं, साधक बोले या जो भी आम लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको आप सही सूचना सही समय पर जरूर उपलब्ध करें, क्योंकि सूचना के अभाव में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और कोई भी प्लानिंग सही से प्लानिंग नहीं हो पाती, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता और हम विफल हो जाते हैं। और आज के समय में जब टेक्नोलॉजी है और समय, हर चीज इतनी रफ्तार से दौड़ रहा, उसमें कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की बहुत आवश्यकता है। तो मैं बार बार यही कहूंगी कि सबको एकत्रित हो जाना चाहिए, बस स्वामी जी हम अंतिम चरण में जा रहे हैं, बस इसके बाद हमारी डिबेट समापन होगी। आज आपने बहुत अपना कीमती समय दिया है स्वामी जी, एक घंटा हो गया है। लास्ट में आप क्या चार वचन बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपको बहुत लोग धन्यवाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्वामी जी ने आज बहुत मार्गदर्शन दिया है। जी स्वामी जी बोले। हम तो समाज, राष्ट्र, संस्कृति, पर्यावरण और संत सबके हित में है। सबके हित का मतलब ये है कि उचित हो, न्याय हो, और अगर न्याय नहीं होता है तो क्रांति होनी चाहिए। हम तो क्रांति के मूड में रहते हैं। हमने चार पांच आंदोलनों का बता दिया। श्री रमेश बाबा महाराज का पर्वत बचाओ आंदोलन था, उसमें कोई हिंसक नहीं थे हम। राम जन्मभूमि आंदोलन में हम हिंसक नहीं थे। राम जी काल्पनिक चरित्र हैं, उस आंदोलन में हिंसक नहीं थे। गंगा यमुना के आंदोलनों में हिंसक नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने राधा कृष्ण वाली बात कही अनुचित, तो उसको हटाने में भी हिंसक नहीं थे। हम तो क्रांतिकारी हैं, हम तो क्रांति के पक्ष में हैं, और आंदोलन होना चाहिए, और आंदोलन का केंद्र बिंदु कम समय में अच्छा प्रभाव निकले वो यही है कि जोधपुर को केंद्र बनाया जाए, भारतवर्ष से जमघट जोड़ दिया जाए जोधपुर में, और देखते हैं फिर क्या होता है, कहाँ तक बात जाएगी। हम हिंसा की बात नहीं कर रहे, समाज को समाज और समाज को सत्य को सरकार को भी सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इसलिए आंदोलन की तैयारी की जाए। जी माणिक जी, आपने आपने बहुत अपना कीमती समय दिया है, आपके हम आभारी हैं, और आपके साथ बहुत सारे संगठन जुड़ रहे हैं, और जो संगठन जुड़ रहे हैं उनको आप क्या प्रारूप देना चाहेंगे, उन तमाम बातों में विश्लेषण हम समय समय पर करते रहेंगे।
आज हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आज काफी सवाल जवाब हुए और काफी बातें आपके सामने रखी गई। दोस्तों ये वो तथ्य हैं जो आप तक रखे जा रहे हैं और हम आपसे अपेक्षा ये रखते हैं कि जिस तरीके से आप भी एक अपने आप में एक बहुत बड़े क्रांति योद्धा हैं, जन जन तक सच्चाई को पहुंचाकर आप अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं, एकजुट होकर हमें एक विशाल वन के जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उनके लिए भी आवाज उठाना है। और स्वामी जी ने जो बातें बताई और प्रोफेसर साहब और माणिक जी जो आज हमारी सभा में जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। दोस्तों अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।